हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आईमंता हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता जैन। जैसा आप सभी जानते हैं कि हर बार हम अपनी वीडियो के थ्रू आपको आंखों से जुड़ी अलग अलग बीमारियों और उसके इलाज से रिलेटेड ज़रूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। इस बार भी हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, पिछली दो वीडियो में हमने आपको मोतियाबिंद सर्जरी की कीमत और मोतियाबिंद चेकअप के बारे में बताया था, और आज हम बात करने वाले हैं मोतियाबिंद सर्जरी के बाद के परहेज और सावधानियों की। इससे आपको ना सिर्फ सर्जरी के बाद जल्द रिकवर होने में मदद मिलती है, बल्कि बेहतर विजन भी मिलती है। साथ ही आप भविष्य में होने वाली परेशानियों से भी बच सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि मोतियाबिंद में बढ़ती उम्र के साथ आँखों का ट्रांसपेरेंट लेंस धुंधला हो जाता है। आँखों में इस धुंधलेपन से आपको दिखना कम हो जाता है, जिसके लिए सर्जन मोतियाबिंद की सर्जरी करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस यहीं ख़त्म नहीं होता। हर ऑपरेशन या सर्जरी में मरीजों को कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। मरीज़ अक्सर ये सवाल करते हैं कि मोतियाबिंद ऑपरेशन से उनके विजन में कितने दिन में सुधार होगा। सर्जरी के बाद मरीज़ के विजन की 100% रिकवरी में कुछ दिनों का समय लग सकता है। कई बार ऑपरेशन के बाद उनकी आँखों में पानी आ सकता है और उन्हें धुंधलेपन या आँखों में कुछ चले जाने का एहसास हो सकता है। इसके अलावा उन्हें दोहरी दृष्टि यानी डबल विजन या आंखें लाल होने की भी समस्या हो सकती है। आमतौर पे ये साइड इफ़ेक्ट दवाइयों और आई ड्रॉप्स के इस्तेमाल से कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। मोतियाबिंद सर्जरी के थोड़ी देर बाद ही मरीज को घर भेज दिया जाता है, जिसके बाद मरीजों को कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जैसे मरीज को ऑपरेशन के बाद यह परहेज सिर्फ अगले 3 से 4 हफ्ते तक ही करने होते हैं। पहला, आपको कभी भी आंखें खोलकर पानी के छींटे नहीं मारने चाहिए, क्योंकि इससे आंखों की कंडीशन सुधरने के बजाय बिगड़ सकती है। दूसरा, मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद आंखों को रगड़े या मसले नहीं। आपकी आंखों में खुजली, पानी आना या दर्द की समस्या हो सकती है। कभी कभी मरीज को सर दर्द का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको आँखों को रगड़ने या मसलने से बचना चाहिए। तीसरा, कोई भारी काम जैसे झुक के पानी की बाल्टी उठाना, सूटकेस उठाना या कुछ भारी चीज़ जैसे फर्नीचर सरकाना या योगा, प्राणायाम, जॉगिंग या खेलकूद करने से बचें। आप अगले ही दिन से सैर कर सकते हैं। चौथा, सर्जरी के बाद पहले 2 हफ्तों तक आपको अपनी आंखें रोज़ाना दिन में 2 बार साफ करनी चाहिए, क्योंकि आई ड्रॉप्स की वजह से आपकी आँखों के आसपास चिपचिपाहट आ सकती है। पाँचवा, आँखों की सफाई के लिए आप आईलिड वाइप्स का यूज़ करें और पोंछने के बाद इसे फेंक दें। किसी कपड़े, रुमाल, तौलिए, चुन्नी या पल्लू से आँखों को ना पोंछें। इसके बजाय आप पानी में साफ रुई भिगोकर उसे उबालकर ठंडा करने के बाद ढककर रख सकते हैं और फिर रुई निचोड़कर आँखों को हल्के से साफ कर सकते हैं। ध्यान रखें कि इस दौरान अपनी आँखों को हल्के हाथों से साफ करना चाहिए, ताकि आँखों पर किसी भी तरह का दबाव ना पड़े और ना ही कॉटन या पानी आँखों के अंदर जाए। छठा, इसके बाद मरीज आँख बंद करके मुंह धो सकते हैं, सर से नहा सकते हैं, शावर ले सकते हैं और बाल पीछे करके धो सकते हैं। सातवां, ऑपरेशन के बाद खाने पीने का कोई परहेज नहीं है, लेकिन विटामिन सी और ई से भरपूर हेल्दी खाना ज़रूरी है। इसके अलावा आप मिर्च मसाला, तेल, घी, दही, रोटी, सब्जी, दाल, चावल और अंडा खा सकते हैं और ठंडा गर्म चाय, कॉफ़ी या दूध भी पी सकते हैं। आठवां, दाढ़ी बना सकते हैं, सोते समय दोनों तरफ करवट ले सकते हैं, चल फिर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। नौवा, धूप या रोशनी से कोई परहेज नहीं है और ना ही किसी काले चश्मे की ज़रूरत है। आँखों को खुला रखना है और किसी चीज़ से ढकने की ज़रूरत नहीं है। दसवा, आप टीवी देख सकते हैं और अखबार या किताबें भी पढ़ सकते हैं, लेकिन किचन का काम आपको 3 से 4 दिन बाद धीरे धीरे शुरू करने का एडवाइस दी जाती है। ग्यारहवा, चश्मे का नंबर मिलने तक आप अपना पुराना रीडिंग ग्लास यूज़ कर सकते हैं या दूर के चश्मे में ऑपरेशन वाली साइड सादा शीशा लगवा सकते हैं। बारहवा, हमेशा डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेडिसिन और आई ड्रॉप्स यूज़ करें। तेरहवा, ऑपरेशन के बाद 4 से 5 हफ्ते तक स्विमिंग पूल से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करने से इन्फेक्शन फैल सकता है। चौदहवा, डॉक्टर की सलाह के बिना 4 हफ्ते तक आपको आँखों पर किसी तरह का मेकअप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पंद्रह, स्मोकिंग पूरी तरह से बंद कर दें, क्योंकि इससे सांस से जुड़ी बीमारियों और कैंसर के अलावा आँखों में फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, जो आपकी आँखों की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सोलहवा,
डॉक्टर अस्पताल से छुट्टी देने से पहले आपके लिए कई आई ड्रॉप्स लिखते हैं, जिससे आपकी आंखों के किसी भी इन्फेक्शन से बचने में मदद मिलती है। इसके बारे में डॉक्टर से पूछें कि इन्हें कब और कैसे इस्तेमाल करना है। सत्रह, ऑपरेशन के बाद आपको रंग ज़्यादा तेज़ या चमकदार दिखाई दे सकते हैं। आमतौर पर यह दिक्कत अपने आप ठीक हो जाती है। अगर 10 दिन बाद भी ये लक्षण दिखाई देते हैं और आँखों की रोशनी में कोई सुधार नहीं आता, तो ऐसे में आपको बिना देर किए डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। आई मंत्रा के एक्सपीरियंस डॉक्टर से इलाज के लिए आप हमारे हॉस्पिटल में भी विजिट कर सकते हैं। हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप हमें 9711115191 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको मोतियाबिंद सर्जरी के बाद किए जाने वाले परहेज और सावधानियों के बारे में कई ज़रूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके पास कोई भी इससे जुड़े सवाल हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और आँखों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।